हेलो दोस्तों, आप सभी ने अपने लाइफ में बहुत से खेल खेले होंगे, इसीलिए आप ये जानते होंगे कि हर खेल का कोई अपना अपना रोमांच होता है। वैसे भी अगर खेल में रोमांच ही ना हो तो फिर खेल खेलने का मजा ही क्या। लेकिन कुछ लोग ऐसे रोमांच के चक्कर में ऐसे ऐसे खतरनाक खेल खेलने लगते हैं जिनमें उनकी जान तक जाने का खतरा बन जाता है, और उन्होंने उन खेलों को देखते देख लगता है कि मानो उन्हें अपने जीवन की कोई परवाह ही नहीं। जी हाँ, ऐसे न जाने कितने खेल हैं कि डर की सभी सीमाओं को पार कर देते हैं और उन गेम्स को खेलने के लिए अपनी जान को हथेली पर रखकर खेलते हैं। आज हम आपको ऐसे ही दुनिया के सबसे 5 खतरनाक खेलों के बारे में परिचित कराने जा रहे हैं, जिनमें जरा सी गलती होने के बाद खिलाड़ियों को ही हम लोग तक पहुँचा सकते हैं। नंबर 1 की बात किया जाए तो बुल फाइटिंग दुनिया का सबसे खतरनाक खेल माना जाता है। जब आपके आसपास से कोई मोटा तगड़ा बुल गुजरता हो तो आपकी जान हलक में आ जाती है कि कहीं वह टक्कर ना मार दे, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो बुल के साथ खेलते हैं। बाकी सभी खेलों में तो फिर भी आदमी कुछ सेफ हो या तो सुरक्षित है, लेकिन इस खेल में बचने का कोई चांस नहीं है। जानवरों का क्या पता कि कब वह गुस्से में आ जाता है और कब वह शांत हो जाते हैं। स्पेन में पसंद किए जाने वाले इस खेल को देखने के लिए लाखों लोग आते हैं। कई बार तो बुल खेल देखने वाले लोगों के बीच ही खुदुक जाता है। ये खेल सिर्फ और सिर्फ खतरों से भरा हुआ है और इसमें खिलाड़ी एक पल के लिए भी अपनी आंख की पलक नहीं झपक पाते हैं। इस खेल को शुरू करने से पहले सांड को शराब पिलाई जाती है और उसके शरीर को जगह जगह से काट दिया जाता है, जिससे वह पागल हो जाता है। फिर एक खिलाड़ी सांड का मुकाबला करने के लिए एक मैदान में उतरते हैं। इस खेल में होने वाली मौत की बढ़ती संख्या को देखकर कई देशों ने इस खेल को बंद कर दिया है। नंबर 2 की बात किया जाए तो स्काई ड्राइविंग जितना रोमांच इस खेल में होता है शायद ही किसी और खेल में हो। लेकिन आसमान से 1000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाने वाले इस खेल को देखने के लिए हिम्मत हर किसी में नहीं होता है। वैसे स्काई ड्राइविंग के दौरान सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाता है और वो हर इंतजाम किए जाते हैं जिससे कोई हादसा ना हो सके। लेकिन अगर हादसा होना होता है फिर वह होकर ही रहता है, और इस खेल में हादसा का मतलब होता है मौत। कुछ ऐसे लोग भी जो स्काई ड्राइविंग के दीवाने हैं, इसे मौत का कोई परवाह नहीं होता है। अब नंबर 3 की बात किया जाए तो रिवर राफ्टिंग। जैसे ही गर्मियों का मौसम आता है हर कोई ऐसी जगह जाना पसंद करता है जहाँ ठंडा हो और गर्मियों से बचा जा सके। जो लोग इस खेल के दीवाने होते हैं उन्हें दिखती है नदियाँ ताकि वे वहाँ जाकर राफ्टिंग कर सके, यानी नदियों में नाव के साथ मजा उठा सके। नाव का आकार छोटा जरूर होता है, लेकिन जब नाव खिलाड़ियों को पानी के तेज बहाव के साथ पहाड़ियों और नदियों के बीच लेकर जाता है तो अच्छे अच्छे को दिल थम जाते हैं। यहाँ भी सुरक्षा का पूरा इंतजाम होता है, लेकिन इस खेल में मौत के साथ साथ किसी भी समय कोई दुर्घटना होने का संभावना रहता है। लेकिन इस खेल के दीवाने अक्सर युवा ही होते हैं। अब नंबर 4 की बात किया जाए तो आस्किंग, जो बर्फ के बीच खेले जाने वाले खेल होता है। आस्किंग भी उन्हीं रोमांच खेलों में से एक है जो बर्फ के वादी और चट्टानों के बीच में खेला जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा डर होता है कि बर्फ के गिरने का और चट्टानों के खिसकने का। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस खेल को खेलने के दीवाने होते हैं। यह खेल ठंडियों के समय बर्फ जब गिरता है तो यह खेल खेला जाता है। अब नंबर 5 की बात किया जाए तो सी फार्मिंग, जो समुद्र के बीच उठते तेज लहरों के साथ खेला जाता है। इस खेल को मौत का खेल भी कहा जाता है क्योंकि यह लहरें कभी भी सैकड़ों फीट तक उठ जाता है और कभी आपको ऊपर फेंक देती है और कभी ऊपर से सीधे नीचे फेंक देता है। अगर बात किया जाए आनंद के बारे में तो इस खेल में कुछ अलग ही आनंद होता है, लेकिन जान का खतरा ज्यादा ही रहता है। न जाने इस खेल में कितनी मौतें हुई है। दोस्तों कमेंट में जरूर बताएं इनमें से कौन सा खेल आपने खेले हैं।